स्मॉलर ब्लॉक क्या, इसके ऊपर में स्मॉलर ब्लॉक है, स्मॉलर ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही ये एक्सेलरेशन आ रहा है ना, तो आप कुछ मत करो, स्मॉलर ब्लॉक पे सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, आपको एक्सेलरेशन पता है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, फोर्स निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है आपको, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन स्मॉलर ब्लॉक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में, आयुष रेड्डी। तो यार इसके पिछले वीडियो में हमने वर्क पर एनर्जी स्टार्ट किया था और फर्स्ट 5 क्वेश्चंस वर्क पर एनर्जी का एचसी वर्मा के एक्सरसाइज से हमने सॉल्व करके देख लिया था ओरली। अब यहाँ पे लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, 6 से लेकर 10 तक हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, जितना हो पाएगा हम लोग ओरली करेंगे, बाकी तो कैलकुलेशन वगैरह आप लोग खुद से कर ही सकते हो, ठीक है ना। यहाँ जो पहला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन, आपको वहाँ पे R1 दिया है, R2 दिया है और आपको यहाँ पर फोर्स दिया, आपको निकालना है वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट। तो आपको भैया सिंपल सा बात है कि आपको यहाँ पर R2 - R1 करना है और R2 - R1 करने के बाद में आपको यहाँ पर R2 आपको दिया है 3i + 2j और आपको R1 दिया है 2i + 3j। यहाँ पे आप R2 - R1 जब करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा i - j, ठीक है ना। और फिर आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है F के साथ, क्योंकि वर्क क्या होता है, F.R होता है। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 5i के साथ में और यहाँ पर आपको मिलेगा 5j - j के साथ में, तो 5 - 5 वो आपका आंसर 0 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपके पास में बोल रहा है, मैन मूव्स ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इन हिज हैंड, इफ ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 meter विद एन एक्सेलेशन ऑफ 0.5, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द मोशन। यहाँ पर सिंपल से बात है, आपको वर्क डन बोल रहा है, तो वर्क डन आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर वर्क डन कैसे निकालोगे, आप लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे। तो फोर्स कैसे निकालोगे, आपको मास यहाँ पे पता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे मास आपको पता है 2 kg, एक्सेलरेशन आपको पता है 0.5, आप लोग यहाँ पे फोर्स निकाल सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा फोर्स आपके पास में 1 और फिर आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट के साथ मतलब डिस्टेंस जो कि 40 दिया है उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो आपको बहुत ईजिली यहाँ पर वर्क डन बाय द मैन ऑन द ब्लॉक निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, आपको उसमें फोर्स का इक्वेशन दिया, F=a + bx एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन द एक्स डायरेक्शन, ए और बी आपको कॉन्स्टेंट है, वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बता रहा था कि जब फोर्स कॉन्स्टेंट होता है तो हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं F.S से, बट यहाँ पर जब फोर्स वेरिएबल हो जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो वेरिएबल है, a + bx आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो आएगा F.dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम a - 0 to d, जो कि आपका लिमिट्स दिया हुआ है x = 0 से लेकर x = d तक दिया हुआ है। तो a + bx का इंटीग्रेशन आप करोगे तो आपको मिलेगा ax + bx² / 2, फिर वहाँ पे आप अपर लिमिट d पुट करोगे, लोअर लिमिट 0 पुट करोगे, आपको बहुत इजीली आंसर यहाँ पर मिल जाने वाला है, ठीक है। अब ब्लॉक ऑफ मास 250 ग्राम, 9th क्वेश्चन, ब्लॉक ऑफ मास 250 ग्राम स्लाइड्स ऑन इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन एज द ब्लॉक स्लाइड्स थ्रू 1 मीटर। तो बेसिकली हो क्या रहा है ना, यहाँ पे ना यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहा है, मतलब हो क्या रहा है पता है, यहाँ पे इंक्लाइन पे ना, ठीक है, तो नीचे में जो एक्सेलेरेशन होना था वो ना फ्रिक्शन उसको अपोज कर ले रहा है एक्जैक्टली, ठीक है, समझने का ट्राई करो। यहाँ पे जो नीचे उसका फोर्स लगा, धरती का प्रकोप जो लग रहा था अलॉन्ग द इंक्लाइन, फ्रिक्शन उसको पूरा अपोज कर ले रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है ना कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे जा रहा है। अब हो क्या रहा, फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन एज द ब्लॉक स्लाइड्स थ्रू 1 मीटर। तो आपको वर्क डन निकालना है अगेंस्ट, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। आपको वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आपको अलॉन्ग द इंक्लाइन जो फोर्स है वो आपको सॉल्व करना है और आपको डिस्प्लेसमेंट जो कि 1 दिया हुआ है उससे आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे थोड़ी बहुत आती है कि भाई आपको इंक्लिनेशन 37 डिग्री है, कुछ स्टूडेंट्स को ना प्रॉब्लम होता है कि भैया 37 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, sin 37 cos 37, है ना, 37 के बाद 53 उसका उल्टा होता है, तो ये सब ना वैल्यू सब ध्यान रख लेना कि भैया 3/5 आता है, 4/5 आता है, 3/4 आता है tan में वगैरह वगैरह, cot 53 क्या होता है, cot 37 क्या, ये सब वैल्यू सब थोड़ा देख लेना ध्यान से, ठीक है। मैं आपको अगर थोड़ा बहुत याद करने का तरीका बताऊँ तो भैया एक सिंपल सा चीज़ देखो, ये होता है 3, 4, 5 होता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो sin 37, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, मान लो कि भैया sin 37 3/5 है या 4/5 है, तो आप ये सोचो कि भैया साइन का वैल्यू 90 बड़ा होता है या साइन का वैल्यू 0 बड़ा होता है, साइन का वैल्यू 90 बड़ा होता है, 0 छोटा होता है, इसका मतलब 37 डिग्री 0 के पास है तो वहाँ पे ना छोटा वाला वैल्यू आएगा, 3/5 आएगा। लेकिन अगर कॉस होता तो कॉस 37 में क्या होता पता है, अब कॉस में सोचो, कॉस 0 बड़ा होता है, कॉस 90 बड़ा होता है, कॉस 0 बड़ा होता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब कॉस 37 का वैल्यू क्या है, बड़ा आएगा। तो मतलब कॉस 37 इज 4/5 एंड साइन 37 इज 3/5, और टैन कैसे निकालोगे, दोनों को डिवाइड करके, ठीक है ना, साइन बाई कॉस को, मतलब कि 3/5 / 4/5 3/4 आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप 37 याद कर सकते हो, और इसी का उल्टा जो मैंने यहाँ बताया कॉन्सेप्ट, उसी का उल्टा कॉन्सेप्ट लगा के आप वहाँ पर 53 के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दिया, अभी आपको कुछ नहीं करना है, mg sin आपको देखना है, तो आपके पास यहाँ पे मास पता है आपको, ठीक है ना, मास पता है, आप mg निकाल सकते हो, ठीक है ना, इसको kg में कन्वर्ट कर लेना, और फिर आप साइन कॉम्प्लेन, मतलब कि आप अलॉन्ग द पैरल, मैं आपको बता रखा है mg अगर यहाँ लगता है, कई बार मैंने बताया mg यहाँ लगता है, तो उसका अलॉन्ग द इंक्लाइन आपका होता है mg sin theta, परपेंडिकुलर द इंक्लाइन होता है mg cos theta, और फिर मैंने फ्रिक्शन के भी कंसेप्ट आपको बताया था कि भैया नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू mg cos theta हो जाता है, और फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो μmg cos theta हमारा ऊपर की तरफ में फ्रिक्शन फोर्स लग जाता है, ये बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो आपको
फोर्स निकाल के उसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ में, जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन अच्छा है लेकिन बहुत ईजी भी है। यहाँ पे आपको ना इमेजिन करने का ट्राई करना, यहाँ आपको 10 बड़ा वाला मास दे दिया है, उसके ऊपर में छोटा वाला मास दे दिया है, और यहाँ पर आपके सामने क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ना फोर्स लग रहा है, ठीक है, या उसमें फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स अवे लग रहा है, ठीक है। अब बेसिकली देखो हो क्या, आपको यहाँ पे क्या क्या निकालना है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ पे हो क्या रहा है समझने का ट्राई करो दोनों का एक्सेलरेशन सेम आपको बोल दिया क्वेश्चन में, ठीक है ना, प्रोड्यूसर्स एन एक्सेलरेशन इन द सिस्टम द टू ब्लॉक्स ऑलवेज मूव टुगेदर, ठीक है, एक्सेलरेशन आपको सेम दे दिया है। अब समझने का ट्राई करो, जो नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है ना, ऊपर वाले का भी उतना ही एक्सेलरेशन है, लेकिन फोर्स तो नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है, तो ऊपर वाला बॉडी एक्सेलरेट कैसे कर रहा है, फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेट कर रहा है। हो क्या रहा है, जब ये नीचे वाला ब्लॉक पे फोर्स लगा ना, तो ऊपर वाला ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगा, ठीक है, तो नीचे वाले की वजह से ये जो आपस में जो अटैच्ड है ना, तो नीचे वाले की वजह से ऊपर वाले पे फ्रिक्शन इस तरफ लगा, जिसके वजह से वो इधर मूव करना स्टार्ट किया। बट हो क्या रहा है ना, जब ये इधर मूव करना स्टार्ट किया उस फ्रिक्शन की वजह से, तो फ्रिक्शन में क्या हो रहा है, एक्शन रिएक्शन लग रहा है, तो वो जो फ्रिक्शन इधर लग रहा था, तो ऊपर वाला बॉडी नीचे वाले बॉडी पे उल्टा फ्रिक्शन लगाता है। मतलब कि क्या हो रहा है, नीचे वाले बॉडी पे दो फ्रिक्शन लग रहा है, एक ग्राउंड से और एक उन दोनों के बीच से, ठीक है, जबकि ऊपर वाले बॉडी पे सिर्फ एक फ्रिक्शन लग रहा है, जो कि इस आगे की तरफ है। समझने का ट्राई करो, नीचे वाले बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, दो फ्रिक्शन लग रहा है, एक सरफेस ग्राउंड सरफेस की वजह से और एक उन दोनों के बीच के वजह से फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, और एक्शन रिएक्शन की वजह से ऊपर वाले में क्या हो रहा है, ऊपर वाले में एक ही फ्रिक्शन लग रहा है, जो कि उस फ्रिक्शन के बराबर है जो वो नीचे वाले पे लगा रहा है, और उसका डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, समझने का ट्राई करो, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, आपको क्या करना है, फाइंड द, अब ये क्या हो रहा है ना, ये जो दोनों के बीच का, दोनों ये और ये ब्लॉक के बीच का जो फ्रिक्शन है, नीचे वाले पे इस तरफ है, ऊपर वाले पे इस तरफ है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा ना, अगर आप लोग पूरा सिस्टम को एक साथ देखोगे, तो आप लोग क्या करो ना, फर्स्ट पार्ट में आपको बोल रहा है कि ग्राउंड से आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो आपको निकालना है, तो आप क्या करो ना, दोनों ब्लॉक को एक साथ इमेजिन करो, मतलब कि इसको आप एम प्लस एम, एक ऐसा मास इमेजिन करो जो कि एम प्लस एम है, ठीक है ना, एम प्लस एम जब आप इमेजिन करोगे तो क्या होगा, सिंपल सा इक्वेशन बन जाए आपके पास में, फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, ग्राउंड वाला फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू एम प्लस एम पूरा पूरा इंटू एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर आपके पास बात आती है कि जब आप ये काम करोगे ना, तो आप जब फ्रिक्शन फोर्स निकालोगे, तो आपको ग्राउंड के साथ में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, उसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा नॉर्मल फोर्स के साथ में, और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स पूरा है, एम प्लस एम इंटू जी है, सिर्फ एम इंटू जी नहीं है, सिर्फ कैपिटल एम जी नहीं है, पूरा एम और एम, एम प्लस एम पूरा मास इंटू जी लग रहा है, नीचे लग रहा है और उसी का नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इक्वल अपोजिट, उस पूरा को आपको मल्टीप्लाई करना है म्यू के साथ में, जो कि ग्राउंड के साथ में आपका क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन है, सिंपल सा इक्वेशन बनेगा, इस पूरा को आप सिस्टम मानोगे, एफ माइनस म्यू एम प्लस एम टाइम्स जी इक्वल्स टू मास एम प्लस एम पूरा मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आपको यहाँ पर क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रखा है, आप लोग सॉल्व करके म्यू निकाल लेना, ठीक है। पार्ट भी देखते हैं, आपको बोल रहा है फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक, तो स्मॉलर ब्लॉक क्या है, इसके ऊपर में स्मॉलर ब्लॉक है, स्मॉलर ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स के वजह से ही ये एक्सेलरेशन आ रहा है ना, तो आप कुछ मत करो, स्मॉलर ब्लॉक पे सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, आपको एक्सेलरेशन पता है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, फोर्स निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है आपको, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, स्मॉलर ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो स्मॉलर ब्लॉक का जो मास है इंटू स्मॉलर ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है, और स्मॉलर ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो वही सेम एक्सेलरेशन जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रखा है, तो आपको यहाँ पर आराम से फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाएगा स्मॉलर ब्लॉक पे, अगर आप फ्रिक्शन फोर्स निकालना चाहो तो उसको आप मास से, स्मॉलर मास से आप मल्टीप्लाई कर दो इस कॉमन एक्सेलरेशन का, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक बाय द बिगर ब्लॉक ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट डी ऑफ द सिस्टम, तो जो स्मॉलर ब्लॉक है ना उस पर सिर्फ ये बड़ा वाला ब्लॉक ही वर्क कर रहा है, क्योंकि उस पर और कोई फोर्स नहीं लगा रहा है एक्सेप्ट वो बड़ा वाला ब्लॉक, बड़ा वाला ब्लॉक की वजह से फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर वाले पे इधर, और उस छोटे वाले की वजह से नीचे पे फ्रिक्शन लग रहा है इस तरफ, और नीचे वाले पे ग्राउंड का फ्रिक्शन भी लग रहा है, ठीक है, तो बड़ा वाला ब्लॉक ही उस पर काम कर रहा है, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स आपको पार्ट बी में पता चली गया, फ्रिक्शन फोर्स पता चली गया, उसको आप लोग डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया गया है, डी प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आपका जो भी आंसर आएगा पार्ट बी में उसमें बस एक डी आपको मल्टीप्लाई करना है, आपका पार्ट सी का भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत ईजी क्वेश्चंस है ये, बट बहुत बेसिक और आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं क्वेश्चंस, अगर आप ध्यान से इसको सॉल्व करो, समझने का ट्राई करो और फील करो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है ना। ये वीडियो यहाँ तक खत्म हुआ, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11 से लेकर 15 तक भी देखने वाले हैं, और वो वाला वीडियो भी आज ही आपको मैं अपलोड करके दूंगा, अभी मैं बनाने वाला हूँ जस्ट इसके बाद ही, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा, आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बने रहिए।